नंबर यहां पर आपका दिया गया है पहला, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। अगर इन चारों ऑप्शन के आधार पर हम बात करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो आपका बनेगा हमीरपुर। न्यूनतम की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपके पांच आपके जिले हैं न्यूनतम। सबसे कम यहाँ पर है ललितपुर में। कहाँ पर है? ललितपुर में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद फिर सोनभद्र आता है, फिर यहाँ पर जो है हमीरपुर आता है, फिर आपका महोबा, फिर चित्रकूट। इसका आंसर यहाँ पर आपका रहेगा, एक सेकेंड, इसका जो आंसर आपका रहेगा वो आपका सोनभद्र रहेगा, ठीक है। मैंने गलती से आपको हमीरपुर बता दिया है। इसका आंसर आपका रहेगा सोनभद्र। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन है, आंसर इसका आपका रहेगा सोनभद्र, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ का है? ललितपुर का है, फिर उससे ज़्यादा सोनभद्र का है, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर का है, फिर उससे ज़्यादा महोबा का है, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट का है, ठीक है। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे कम कहाँ का आपका जनघनत्व है, तो वो यहाँ पर आपका रहेगा ललितपुर का। और इन ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर रहेगा सोनभद्र का, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो आपका जनघनत्व है वो कौन से जिले का है, तो सबसे ज्यादा मित्रों यहाँ पर रहेगा गाजियाबाद का। किसका रहेगा? गाजियाबाद। तो ध्यान रखिएगा गाजियाबाद का सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ललितपुर का सबसे कम रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर। फ्रीडम के बाद राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा दशक होता है जहां पर आपको फ्रीडम के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलता है जनघनत्व में? तो आंसर आपका ए रहेगा, बी, सी या डी। तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, 1981 से 1991। यहाँ पर जो वृद्धि होता है वो 171 का होता है, ठीक है, 171 की वृद्धि होती है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका 1981 में जो आपका जनघनत्व था वो था 377, और 1991 में जो आपका जनघनत्व है वो आपका हो गया 548, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है 171 का, यहाँ पर आपका वृद्धि हो गया है। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करेंगे कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है, तो मित्रों यहाँ पर आपका रहेगा 829। कितना रहेगा? 829। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम किसका है? तो आंसर आपका देवरिया, फतेहपुर, बागपत या कानपुर नगर। तो यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कानपुर नगर। इसका कितना है? 9.9%। कितना है? 9.9%। और यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए सर्वाधिक जो आपका 10 की वृद्धि दर है वो कौन से जिले का है, तो अगर यहां पर हम सबसे ज्यादा का बात करेंगे, सर्वाधिक का बात करेंगे, तब आपका आंसर रहेगा गौतम बुद्ध नगर। क्या रहेगा? गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4। यहाँ पर बोला गया है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आंसर ए रहेगा, आपका बी, सी या डी। अगर हम इन ऑप्शन की बात करेंगे तो इन ऑप्शन के अनुसार आंसर डी रहेगा, गाजियाबाद। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं, वैसे हम बात करेंगे कि सर्वाधिक कहाँ का है, तो फिर मित्रों सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर का क्या है? सर्वाधिक है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध नगर का आपका सर्वाधिक है। और ऑप्शन के आधार पर बात करेंगे तो फिर यहां पर आपका गाजियाबाद रहेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पूछा गया है कि 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात कौन से जिले का है, तो
तो परसेंटेज अनुपात यहाँ पर कौन से जिले का है? आंसर आपका रहेगा कानपुर नगर, बहराइच, झांसी या आपका लखनऊ रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 से लेकर 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात यह आपका बहराइच का है, आंसर आपका बी रहेगा। और सबसे कम की हम लोग बात करेंगे तो आपका कानपुर नगर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पर 6, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? अगर कोई आपसे पूछ ले गया बताइए कि सर्वाधिक आबादी वाला आपका कौन सा जिला रहेगा या कौन सा जिला आपका है, मुरादाबाद, लखनऊ, चित्रकूट या श्रावस्ती, इन सभी ऑप्शन के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद से ज़्यादा कौन से जिले का रहेगा यहाँ पर जो है जनसंख्या आबादी, तो वो आपका है प्रयागराज का। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपका आबादी वो आपका प्रयागराज का है, और प्रयागराज के बाद फिर आपका आता है मुरादाबाद का। ठीक है, तो आपका जो क्रम है वो आपका, अगर हम 5 जिलों की बात करेंगे सर्वाधिक वाले, तो आपका क्रम क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा प्रयागराज का है, फिर मुरादाबाद है, गाजियाबाद, आजमगढ़ और फिर लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक आपकी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, आबादी आपको देखने को मिलती है। अगर यहीं पर कोई आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है, तो मित्रों सबसे कम कहाँ का रहेगा? वो आपका रहेगा महोबा का। ठीक है, एक बात इसको ध्यान रखिएगा, सबसे कम आपका महोबा का रहेगा। ठीक है, और सर्वाधिक की बात करेंगे हम तो आपका रहेगा प्रयागराज। पेपर में बहुत पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 7, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम आबादी निम्न में से कौन से जिले का है? आपको ये बताना है कि सबसे कम जो आबादी है वो यहाँ पर कौन से जिले का है। आंसर आपका ए रहेगा, आंसर आपका बी रहेगा, आंसर आपका सी रहेगा या आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा। इन सभी ऑप्शन में आप यहाँ पर आंसर क्या टिक करोगे? तो जब हम 0 से 6 की यहाँ पर बात करेंगे तब आपका जो आंसर सबसे कम की बात करेंगे इन ऑप्शन के आधार पर आपका रहेगा यहाँ पर जो है महोबा। तो 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम आबादी वाला जो जिला है उसमें आपका महोबा नंबर 1 पर आता है। महोबा के बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया आपका आ जाएगा, सबसे कम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और सर्वाधिक की मित्रों बात करेंगे तो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले जो आपके जिले हैं उसमें नंबर 1 पर है आपका प्रयागराज। ठीक है, जब भी यहाँ पर हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक में आपका 1 जिला आ जाएगा यहाँ पर आपका प्रयागराज। ठीक है, और सबसे कम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर रहेगा महोबा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 8, पूछा गया कि वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर वाला जिला कौन सा है? आंसर आपका रहेगा कानपुर नगर, लखनऊ, महाराजगंज या बहराइच। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो आंसर यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज। तो सर्वाधिक अंतर आपका महाराजगंज का है और सबसे कम की बात करेंगे तो फिर आपका रहेगा कानपुर नगर का। ठीक है, तो वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है सर्वाधिक। मतलब अगर हम बात करेंगे वर्ष 2011 के अनुसार बात करेंगे तो राज्य में महिला हो गया और पुरुष हो गया, उनके बीच जो यहां पर अंतर है साक्षरता को लेकर वो आपका 20.1% है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह से तो आपका जो महाराजगंज है वहाँ पर अंतर सर्वाधिक है और कानपुर में सबसे कम यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक यहाँ पर किसका रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको पहले से बता दूं, जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वाधिक के बारे में तो सबसे ज्यादा कहाँ का है, सबसे अधिक कहाँ का है, वो आपका है बलरामपुर का। किसका है? बलरामपुर। ठीक है, वो आपका है बलरामपुर का। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में बलरामपुर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो फिर यहाँ पर कौन कौन सा आपका आ जाएगा? तो बलरामपुर के बाद जो नंबर आता है फिर वो आपका आता है यहाँ पर जो सिद्धार्थ नगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और बहराइच, ये दोनों आपको दिख जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, आपका क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर में 950 है, उसके बाद संत कबीर नगर में 942 है, फिर सिद्धार्थ नगर और बहराइच में बराबर है 935, उसके बाद अम्बेडकर नगर और बाराबंकी में बराबर है 932, उसके बाद महाराजगंज और फैजाबाद में आपका बराबर है 931 दोनों जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा क्रम है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम
उत्तर प्रदेश में राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तब फिर आपका आंसर रहेगा बागपत। तो बागपत का कितना है? बागपत का है 841। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? ये सारे यहाँ पर बीच में आपका पॉइंट लगा हुआ है समय, ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट, सब में बीच में पॉइंट आपका लगा हुआ है। तो 77.73%, 38.90%, 22.27% या 90%। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, हम जब बात करेंगे ग्रामीण को लेकर, तब रहेगा 77.73%। और यहाँ पर अगर हम नगर की बात कर लेंगे तो नगर का आपका रहेगा 22.27%। तो ये आपका नगर वाला लिखा, ये आपका नगर का है, ठीक है, और ये किसका है? ये आपका ग्रामीण का है। किसका है? ये आपका ग्रामीण का है, ठीक है। तो दोनों बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न है यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू लगातार करा रहा हूँ, ये सारे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे आपको भेजूंगा, और PDF के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का होता है आयोजन? तो कहाँ पर आपका बटेश्वर मेला किया जाता है आयोजित? कानपुर नगर में, वाराणसी में, मथुरा में, या आपका आगरा में? तो आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि आगरा में होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया, 12 नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला गया है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कि कपास की स्वदेशी बुआई, किसकी बुआई स्वदेशी जो बुआई का जो उपयुक्त समय है वो टाइम क्या है, ठीक है। अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा, या मई का मध्य? तो अगर यहां पर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा यानी कि अप्रैल का पहला पखवाड़ा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अगर यहां पर हम बात करेंगे जनसंख्या का प्रति यानी कि वृद्धि परसेंटेज क्या है, जो वृद्धि प्रतिशत है वो यहां पर क्या है? तो अगर हम इन सभी ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा बी, यानी कि 20.23%। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 14, यहां पर क्या बोला गया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो अफीम का फैक्ट्री कहां पर है? वाराणसी में है, बलिया में है, गाजीपुर में, या आपका कानपुर में है? तो अगर हम अफीम की फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये मित्रों कहां पड़ेगा? गाजीपुर में। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि गाजीपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 यहां पर दिया गया है। इसमें क्या बोला गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो ये कहां पर है? आंसर आप करेगा रायबरेली, ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा, यानी कि रायबरेली। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है और यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है आपको ये बताना है, गोमती है, सरयू है, यमुना है, गंगा है, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर नगर में है, कानपुर में है, वाराणसी में, या आपका गोरखपुर में है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ में आपका ये पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 18। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में इनको रिपीट किया जाता है। आपको इन सभी प्रश्नों को एज इट इज याद कर लेना है, आपको ये पेपर में 100% दिखेंगे, ठीक है। आपको इन सभी प्रश्नों को एज इट इज याद कर लेना है, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी कि हैंडलम का उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, आपका सी रहेगा, आपका डी रहेगा। क्या यहाँ पर आंसर रहेगा इसका? तो इस प्रश्न का आंसर आपका यानी कि चिकन कारीगरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 दिया गया है। बोला गया यहां पर कि जनगणना 2011 के अनुसार जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, जो बालकों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो इन सभी ऑप्शन के आधार पर आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि 902।
इसके अलावा अगर हम बालकों की बात नहीं करेंगे और ऐसे अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात कितना है, तो यूपी का जो आपका लिंगानुपात है वो आपका 912 है, और बच्चों की बात करेंगे तो 902 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया है, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। मतलब क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये उत्तर प्रदेश की थी। नाम क्या था इनका, सरोजनी नायडू। ये बनी थी पहली राज्यपाल किसी भी राज्य की पूरे भारत में, तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मित्रों हमने यहां पर 20 प्रश्नों को आज कंप्लीट किया है। ये सीरीज आपका टॉप के 500+ प्रश्न आपको करवाने हैं, लगातार चलता रहेगा। आप सभी अपना सपोर्ट करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप सभी अपना सपोर्ट अच्छे से करेंगे, ठीक है, तो मैं अधिक से अधिक क्लासों को करूंगा जिससे कि ये आपका जो टॉपिक है वो जल्दी कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका